हालत देखो, इंतजार कर करके थक गई है बेचारी। जब से मैं तुमसे मिला हूँ न जाने एक अनजाने से मुस्कुराहट मेरे होठों से जुड़ गई। ये घर तो बहुत ही अच्छा है, बड़े स्वीट गाय। तू चाहे इससे इंप्रेस है या नहीं, मैं तो 100% इंप्रेस। आई लव यू गंगा। आदित्य गंगा और प्रत्युष एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हारा एक लौटा सहारा परिवार, उसे अपना सहारा मिल चुका है, उसका जीवन साथी उसे मिल गया, यानी कि तुम अकेले हो। बने बेटा। बाबा आप एक मिनट। जिज्ञासा आंटी, ये जिज्ञासा ने गंगा के लिए भेजा है। इतने प्यारे कंगन। जिज्ञासा आंटी, आपका तोहफा मिल गया। गंगा तक उसकी बुआ का प्यार और शगुन दोनों पहुंचाएगा। थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक्स। विद्या, आज ना गंगा को काला टीका लगाना चाहिए ताकि उसे किसी की नजर ना लगे। मैं अभी काजल लेकर आती हूँ। हमेशा खुश रहो।
आइए आइए मिस्टर, आइए वेलकम, आइए आइए, हेलो वेलकम, आइए आइए, मेरे परिवार है ये मिस्टर रुपालिया, वेलकम, बैठिए। आदित्य जी, खाना पीना तो चलता ही रहेगा, अब वो काम करें जिसके लिए यहाँ आए हैं। गंगा कहाँ है? प्रत्युष से गंगा के बारे में इतना कुछ सुना है कि पूछो मत। हम भी तो देखें हमारे बेटे की पसंद कैसी है। मैं लेकर आती हूँ गंगा जी को। सब गलत है। तुमने जो कुछ भी कहा था ना, उसे गंगा बहुत सुंदर है। मिसेस मित्तल, थोड़ी देर के लिए तो आपने हम सबको डरा दिया था। प्रत्युष, अभी तक तो सब कुछ ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा। अगर तुमको कुछ हुआ भी तो हम दोनों यहाँ हैं, घर बाहर भाग जाएं। क्या बातें चल रही है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। प्रत्युष, गंगा को मिलने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि गंगा हमें बहुत पसंद है और उसे हम जल्द से जल्द अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मिस्टर वालिया, वैसे भी बेटे की पसंद के खिलाफ तुम जाते नहीं, लेकिन अब गंगा को देखने के बाद हमने ये फैसला किया है कि भाई रोका तो हम आज ही करेंगे। और वैसे भी शगुन का संबंध हम साथ ही लेकर आए थे, क्या कहना? ख्याल तो बहुत अच्छा है मिस्टर मित्तल, लेकिन इतनी जल्दी, मेरा मतलब हम लोगों ने कुछ तैयारी भी नहीं की। तैयारियां, सेलिब्रेशन, ये सब दिखावा है मिस्टर वाली। और फिर जिन घरों में रिश्ता होना है भाई, वो सब यहाँ है, लड़का लड़कियां हैं, तो क्या तैयारियां करनी है? तो रोका करते हैं, आप बाकी सारे फंक्शंस बाद में करेंगे, लास्ट स्केल पे। हाँ, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा ठीक लगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। यही ना बात। अब इजाजत दीजिए मिस्टर वालिया, भाई कल सुबह पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर आपको खबर कर दूंगा। यस डेफिनेटली।
चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए और पार्टनरशिप रिश्तेदारी में बदले। हमारे लिए तो फख्र की बात ये है कि मिस्टर जय वालिया और मिसेस मीरा वालिया की बेटी गंगा वालिया के साथ हमारे बेटे की शादी तय हो गई है। ठीक है तो फिर गलत नहीं है कि मैं और मीरा आप क्या हो गया? कई साल से मित्तल यहाँ नहीं है, अब्रॉड में है। हो सकता है उन्हें पता नहीं कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया। और हो सकता है, लेकिन फिर ये गलत नहीं, हमें दूर करनी होगी, वो भी अभी इसी वक्त। मामा जी, अब बेकार से इमोशनल हो, एक बार सोच तो लीजिए। अरे इसमें सोचने का क्या है? देखिए मामा जी, कहीं इस खुलासे से गंगा के रिश्ते पे कोई असर न पड़े। हम सब लोग आपको समझ सकते हैं, लेकिन कहीं वो लोग ये बुरा ना माने कि आपकी प्रेजेंट वाइफ और एक्स वाइफ दोनों एक साथ रह रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मित्तल बहुत ही रेप्यूटेड और अमीर लोग, कहीं उन्हें ये बात बुरी लगी तो आप समझ रहे हैं। कहीं आपका एक गलत कदम गंगा की खुशी को दर्द में न बदल। क्या गलत कदम उठाया मैंने? कुछ गलत नहीं किया है। और सुनो, जो सच है ना वो सच है। अब अगर उन्हें हमारा सच नहीं पता तो हमें बताना तो होगा ना। एक झूठ की नींव पर अपनी बेटी का रिश्ता कैसे तय कर सकता? आदित्य जरा सोचो, अगर मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कभी ना कभी उन्हें पता तो चलेगा, और जब उन्हें पता चलेगा उस वक्त क्या गारंटी है कि मेरी बेटी का रिश्ता सिक्योर होगा? अगर मैं उन्हें तो हो सकता है कि मेरा ये सच उन्हें बुरा है, लेकिन बाद में अगर उन्हें पता चले कि हमने ये बात छुपाई वो कितना बुरा लगेगा? रिश्तों में सबसे जरूरी होती है ईमानदारी। मुझे अभी किसी वक्त की गलत नहीं करनी थी, बताना होगा कि मेरा दिल से भी गीता पीती थी। दूसरी शादी कर ली मिस्टर वाली, और उसके बावजूद भी मीरा आपके घर में रह रही है। मतलब ये सेम मिस्टर वाली है? यस मिस्टर वाली, यही सच। मैं नहीं चाहता था कि आपको ये सच किसी और के लिए, मैं खुद ये सच आपको बताना चाहता, इसलिए मैं नहीं समझा कि मैं यहाँ आके आपको सब कुछ बता। और देखिए मिस्टर मित्तल, इस सब में गंगा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो भी वही लड़की है जिसे आपने पसंद। आपने सच बोलकर ईमानदारी भी खरीद ली, मैंने अप्रिशिएट किया, लेकिन आप खुद सोचिए हम ये रिश्ता करके दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएं? ऐसी लड़की को बहू कैसे बना सकते हैं कि पिता ने दो शादियां कर रखी और दोनों एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं? आपको ये सब बातें हमें रोके से पहले बतानी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुम सुनते कहां?
हम गंगा को कैसे बताएंगे कि उसका ये रिश्ता टूट चुका है? एक तरह का पसंद आया था और वो भी उसका ना हो सका। प्लीज दरवाजा खोलो। गंगा देखो प्लीज मेरी बात सुनो। गंगा गंगा मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। प्लीज प्लीज गंगा फॉर गॉड्स सेक जस्ट ओपन द डोर। गंगा जी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मिस्टर वालिया, मैं जानती हूँ आप क्यों रुक गए हैं। जो ख्याल आपके मन में है वही ख्याल मेरे भी मन में है, लेकिन मिस्टर वालिया, हम झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं जोड़ सकते। कभी कभी रिश्तों को जोड़ने के लिए हमें सच को छुपाना पड़ता है। प्रत्युष बहुत ही अच्छा लड़का है हमारी गंगा के लिए, और मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन ये रिश्ता जोड़ने के लिए हमें सच को छुपाना होगा। मिस्टर वालिया, आपको सबके सामने ये चताना होगा कि मीरा ही आपकी पत्नी है। But Pranita, I hate मीरा। मैं एक पल भी उसके साथ नहीं रह सकता। मिस्टर वालिया, ये बात आपकी पसंद या नापसंद की नहीं है, ये बात हमारी गंगा की है। गंगा प्रत्युष को बहुत चाहती है मिस्टर वालिया, और प्रत्युष भी गंगा को चाहता है। एक बार इन दोनों की शादी हो जाए, इन दोनों का प्यार एकदम बुलंद हो जाए, फिर हम प्रत्युष को सब कुछ बता देंगे। और वैसे भी शादी के बाद तो वो हमारा फैमिली का मेंबर होगा, वो सब कुछ मान जाएगा मिस्टर वालिया। और ठीक वक्त देखकर हम मिस्टर मित्तल को भी सब कुछ बता देंगे, लेकिन बस तब तक आपको सबके सामने यही जताना होगा कि मीरा आपकी पत्नी है। लेकिन मीरा ये करने के लिए तैयार कैसे होगी? वो गंगा से नफरत करती है, उसकी मदद क्यों करेगी? मैं जानती हूँ मिस्टर वालिया, अब सब कुछ मीरा के हाथ में है। बस दुआ कीजिए कि मीरा किसी तरह मान जाए। पापा प्रत्युष के मोहम्मद को ये सब बताने गए हैं? जब से प्रणीता मेरे लाइफ में है, मेरी लाइफ में शांति नहीं है, मेरे लाइफ में टेंशन बढ़ती ही जा रही है। पापा को एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी, एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने मुझसे। गंगा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आखिर आपने वही किया था जो आप करना चाहते थे। और तुम मिल गया तुम्हें चैन मेरा रिश्ता तो होता। निकाल ली अपनी दिल की भड़ास। हाँ, आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। आपको सिर्फ एक ही बात की तकलीफ थी ना, कि प्रदेश के मॉम डैड ने प्रणीता को आपकी पत्नी नहीं कहा। पापा, प्रणीता के साथ आपका रिश्ता मेरी खुशी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? अब क्या कहना है आप मुझे? यही ना कि मैं प्रत्युष को भूल जाऊं, मेरा उसका रिश्ता नहीं रहा? ऐसा कुछ नहीं है गंगा बेटा, कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मिस्टर वालिया ने कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें कुछ नहीं बात नहीं करती सब समझा। वो अपने पेरेंट्स को हैंडल कर सबका। अगर उसके पेरेंट्स ये समझते हैं कि मैं मीरा पति पत्नी हूँ, तो मैं यही एक्टिंग करने के लिए। गंगा,
गंगा, तुम्हारी शादी होने तक अगर मुझे जय की पत्नी होने का नाटक करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी कि मेरा और जय का डिवोर्स हो चुका है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ। जीवन छेड़े प्यार की धुन।